शेयर करता चलूं, जिसमें बिजनेस रिकॉर्डर ने जो खबर पब्लिश की है कि डबल हायर एजुकेशन कोटा HEC स्लैम्ड ओवर, फेलियर टू इंप्लीमेंट कैबिनेट डिसीजन। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने डिस्प्लेयर शो किया कि HEC को जो कहा गया था कि वो आता के जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए कोटा को डबल किया जाए, एडमिशन कोटा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में होता है तो वो ना करने की वजह से उन पर बरहमी का इजहार किया। इसके बाद ये फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसकी सिंडिकेट का इजलास हुआ और उन्होंने जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं वो अप्रूव किए हैं। उसके बाद ये डॉन में खबर पब्लिश हुई है कि हाई कोर्ट से सडन असाइन PMDC's न्यू एडमिशन रेगुलेशन, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उस केस की जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो नए रेगुलेशंस हैं जो 30 मई 2019 को अनाउंस किए गए थे उनको सेट असाइड किया और जो 2018 की मतलब प्रीवियस ईयर की जो एडमिशन पॉलिसी थी उसके मुताबिक एडमिशन करने को कहा गया। ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की खबर पाकिस्तान टुडे में पब्लिश हुई है कि स्टूडेंट्स ने हरासमेंट के अगेंस्ट जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया और प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में ये मुतालबा किया गया कि जो इस पर्टिकुलर हरासमेंट के जो ये एक तरह से वाकया हुआ है उसमें जो इन्वॉल्व है उनको सजा दी जाए। 12 स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज टू विजिट चाइना, ये उर्दू पॉइंट पे खबर पब्लिश हुई है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहिंगा खान के जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो चाइना विजिट करेंगे एज ए यूथ डेलीगेशन। ये दी न्यूज़ में एक खबर पब्लिश हुई है, अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने जो पोस्ट ग्रेजुएट और बैचलर प्रोग्राम के रिजल्ट अनाउंस किए। बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर पब्लिश की है कि कल से 16-17 अक्टूबर से एक्सपो सेंटर में डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है हेल्थ इनोवेशन एक्सपो कंडक्ट कर रही है। ये दी न्यूज़ में ही खबर पब्लिश हुई है कि एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने इंडोमेट फंड से जो है 12 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं और सखर IBA और बैतुल माल पाकिस्तान का जो MOU साइन हुआ फॉर 50 स्कॉलरशिप्स, ये दी न्यूज़ ने खबर पब्लिश की है। उसके बाद ये दी न्यूज़ में PMDC ने जो रैंकिंग इशू की है मेडिकल कॉलेजेस की, ये जून में इन्होंने डिसाइड किया था कि हर साल अब वो जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस हैं उनको रैंक किया करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो उस रैंकिंग में जो है फर्स्ट पोजीशन खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज की आई है और बाकी कॉलेजेस की जो स्कोरिंग है स्कोर्स इन्होंने 92% मार्क्स हासिल किए, जो उससे कम वाले हैं 89 वाले, 85, 84, 77 वाले, उनकी भी डिटेल प्रोवाइडेड है। उसके बाद कायद अजम यूनिवर्सिटी में पीस गाला शुरू हो गया, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट सोसाइटीज़ जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें वाइस चांसलर ने इसको एक तरह से इफ्तिताह किया इस मेले का।